हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही आसान तरीके से घर में पापड़ी चाट बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे हों या बड़े, सबको बहुत पसंद आता है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। तो सबसे पहले हम पापड़ी के लिए आटा तैयार करेंगे। तो आटा में डाल लिया हमने नमक। अब हम इसमें तेल डालेंगे, करीब 2 चम्मच, छोटा 2 चम्मच तेल डाल लिया हमने। अब इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ले लीजिए, आटा तैयार हो चुका है। अब इसे हम बेल लेंगे। और इसे रोटी की तरह एकदम पतला बेलना है हमें, रोटी से भी पतला। आप जितना पतला बेल सकते हैं बेल लेना है। और एक फोर्क की मदद से ये देखिए सारे में हमें होल कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, इसे अब हम 4 भाग में काट लेंगे छुरी से। तो ये देखिए, 4 भाग में इस तरह से छुरी से काट लिया हमने। अब इसे हमें तलना है गरम तेल में, और फुल फ्लेम पे हम इसे तलेंगे। गैस का आंच तेज रहेगा। आप चाहें तो बाजार जैसा पूरी के शेप में भी पापड़ी बना सकते हैं, पर ये शेप थोड़ा सा आसान होता है बनाना, इसलिए हम ये बना रहे हैं। तो चलिए ये देखिए, पापड़ी बन चुका है एकदम क्रंची। और ये हमने मटर का छोला बनाया हुआ है। तो सबसे पहले पापड़ी को तोड़ लेंगे हम इस तरह से छोटा छोटा। आप चाहें तो हाथ से मसल भी सकते हैं इसे।